मसीह यीशु के कादर नाम में आप तमाम बहनों भाइयों बच्चों और बुजुर्गों की सलामती हो। और मेरे लिए ये बड़े एजाज की बात है कि आज मैं आप लोगों के साथ जिस चर्च को जिस क्लीसिया को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ दैट इज द वन ऑफ द ओन काइंड एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ वाटर शेडिंग चर्च इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। और इस क्लीसिया जो है ये क्लीसिया कोई आम क्लीसिया नहीं है। जनरली हमारे जहन में जब क्लीसिया आती है तो इट्स अबाउट मेल एंड फीमेल मैन एंड वुमेन। लेकिन जब हम चर्च की बात करते हैं खुदा के इमेज की बात करते हैं तो मेरे जीजो इट्स बियॉन्ड दीज टू सेक्सिज्म्स। बाइबल मुकद्दस में जिस रेफरेंस और जिस बाइबल मुकद्दस के स्क्रिप्चर को हमने जब इस चर्च को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैं जब दुआ कर रहा था और जब मैंने राबता किया इस चर्च के पास्टर से तो जो वर्स या जो आयत मेरे सामने आई वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देन वी विल गो एंड इंट्रोड्यूस द चर्च विच वी आर टॉकिंग अबाउट। सो यशायाह नबी के सहीफे में से जब हम उसका 56 बाब या 56 चैप्टर 56 द बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 56 और जब हम उसकी चौथी और पांचवीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक खुदा का नबूवती कलाम खुदा के नबी के वसीले से उस कम्युनिटी को एड्रेस करता है जो मोस्टली मार्जिनलाइज है, जिसको लोग शायद रिजेक्ट करते हैं, फैमिलीज रिजेक्ट कर देती हैं, कम्युनिटी और चर्च तो इस बारे में सोचता ही नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट्स द परफेक्टिक वर्ड खुदा का नबी खुदा का कलाम ऐसे लोगों के बारे में क्या कहता है। तो यशायाह नबी का सहीफा है और उसका 56 बाब और उसकी चौथी आयत में लिखा हुआ है, बल्कि मैं तीसरी आयत से पढ़ने लगा हूं। लिखा हुआ है और बेगाने का फर्जंद जो खुदावंद से मिल गया हरगिज ये ना कहे कि खुदावंद मुझको अपने लोगों से जुदा कर देगा, और खौजा ये ना कहे कि देखो मैं तो सूखा दरख्त हूं, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि वो खौजे जो मेरे सबतों को मानते हैं और उन कामों को जो मुझे पसंद हैं इख्तियार करते हैं मेरे अहद पर कायम रहते हैं, मैं उनको अपने घर में और अपनी चार दीवारी के अंदर ऐसा नामो निशान बख्शूंगा जो बेटों और बेटियों से भी बढ़कर होगा, और मैं हर एक को एक अबदी नाम दूंगा जो मिटाया ना जाएगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदा उनकी बरकत हो। मेरे जीजो आपने देखा है कि यशायाह नबी यहाँ पर बेटे और बेटियों मैन एंड वुमेन मेल एंड फीमेल से हटकर जो है वो एक जेंडर इंट्रोड्यूस करवाता है और वो है खौजे। अब हमारे इंडियन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जो है ये एक कर्स समझी जाती है, ये एक सोशल टैबू है, और पेरेंट्स वालदैन जिस घर में बच्चा पैदा होता है, जिस कम्युनिटी में पलता बढ़ता है, जिस सोसाइटी में पलता बढ़ता है, जिस क्लीसिया में फरमान चढ़ता है, दे ऑल रिजेक्ट देम जब वो किसी तरह के अपने जेंडर कॉन्फ्लिक्ट में दाखिल होते हैं। सो इस चीज को वेस्टर्न वर्ल्ड ने कैसे डील किया है और कैसे डील कर रहा है चर्च, और हमारे इंडियन पाकिस्तानी या पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे डील किया जाता है, बिल्कुल दो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। मसलन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर इसको दो नाम दिए गए हैं, एक है इसमें टाइटल दिए गए हैं LGBTQ, जिसमें लेस्बियन गे ट्रांसजेंडर और क्यू मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन एनीवे ये चार कैटेगरी दी है उन्होंने। आज हम जो जिस चीज पर बात करें वो है ट्रांसजेंडर। ये ट्रांसजेंडर है क्या, इन लोगों को नहीं पता। मैं आपको बता दूं कि ट्रांसजेंडर का मतलब ये है, जो क्लिनिकल डेफिनेशन है उसे वो कहते हैं, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि जिन लोगों को आइडिया नहीं है वो समझ लें कि मैं क्या कह रहा हूं। सो इट्स अ जेंडर डिस्फोरिया जो कि साइकोलॉजिकल क्लिनिकल रिसर्च है। वो ये कहते हैं कि जेंडर डिस्फोरिया इन्वॉल्व्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ पर्सन्स फिजिकल और असाइंड जेंडर and the gender with which he, she, they identify. People with gender dysphoria may be very uncomfortable with the gender they were assigned, sometimes described as being uncomfortable with their body, particularly developments during puberty, or being uncomfortable with the expected roles of their assigned gender. मतलब इसका क्या है? मतलब इसका ये है कि साइकोलॉजी ये कहती है कि जेंडर डिस्फोरिया का मतलब ये है कि एक शख्स जब वो अपनी बलूगत या पुबर्टी में आता है, जहां पर किसी लड़की या किसी मर्द के जिस्म में चेंजेस शुरू हो जाते हैं 12-13 साल की उम्र में, तो उनको एहसास होना शुरू होता है कि जी शायद मैं तो लड़का हूं तो मैं लड़की की बॉडी में आ गया हूं, या मैं लड़की हूं और मैं लड़के की बॉडी में आ गया हूं। और वो जो प्रोसेस है उसको क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया। अब इसको लोग जो है वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो साइकोलॉजी के जरिए, मेडिसिन के जरिए,
या फिर किसी ऑपरेशन के जरिए वो इसको डील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे ईस्टर्न कल्चर में, इंडिया पाकिस्तान के कल्चर में, हमारे यहाँ जो लफ्ज एक यूज किया जाता है वो है जो मेल बॉडी के अंदर फीमेल होता है उसको लोग खुसरा कह देते हैं, और जो फीमेल बॉडी के अंदर मेल होता है उसको वो कोई और नाम दे देते हैं। सो ये एक जेंडर डिसफंक्शनैलिटी है। लेकिन चर्च ने, क्लीसिया ने इसको कैसे डील किया है? चर्च ने मेरे जीजो, जिस तरह खानदान, फैमिली, पेरेंट्स, दोस्त, कम्युनिटी उनको रिजेक्ट कर देती है, उनको घरों से निकाल देती है या उनको सोसाइटी कबूल नहीं करती, वो बेचारे कैसे गुजारा करते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं, ये वो बेहतर तौर पर जानते हैं। लेकिन आज जिस चर्च की हम बात कर रहे हैं, ये वो चर्च है जिसने इस कम्युनिटी को एम्ब्रेस किया है, पाकिस्तान कराची के अंदर एक बिल्कुल नए तरह का चर्च शुरू किया है। और मैं तारुफ कराना चाहता हूँ इस चर्च की पास्टर और विजनरी लीडर पास्टर गजाला शफीक का। पास्टर गजाला शफीक, यूं तो आप सब उनको, खासतौर पर कराची पाकिस्तान को फॉलो करने वाले लोग, बड़े बेहतरीन तरीके से जानते हैं। शी इज द मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी। कहीं पर भी अगर सोशल इश्यूज की बात हो, जेंडर इश्यूज की बात हो, इंटरफेथ रिलेशनशिप की बात हो, थियोलॉजिकल इश्यूज की बात हो, शी इज अप फ्रंट एज अ वुमन लीडर इन पाकिस्तान। सो पास्टर गजाला शफीक, थैंक यू वेरी मच, और आपकी सारी क्लीसिया का हमारे साथ ज्वाइन करने का, पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर चर्च इन पाकिस्तान। सिस्टर गजाला, प्लीज थोड़ा तारुफ करवाइएगा अपने इस मिनिस्ट्री के बारे में, और बताइएगा कि इस विजन, इस बोझ का आगाज आप ने कैसे किया। थैंक यू पास्टर जी, और तमाम देखने वाले ईमानदारों को, साथियों को भी मेरा सलाम पहुंचे। ट्रांसजेंडर चर्च या ख्वाजा सरा चर्च, इस चर्च का नाम रखा गया है बैतुल ख्वाजा सरा मोमिनीन। ठीक है, आपने पूछा कि इसका बोझ या कैसे मुझे ये इसका एहसास हुआ। पाकिस्तान में सिंध की सतह पर तकरीबन 10,000 से 12,000 ट्रांसजेंडर मौजूद है, और जब भी ये जो हवाला आज आपने पढ़ा, यही मेरा बुनियादी जो कन्विक्शन थी वो इसी हवाले से थी, यसाया 56 बाब, जिसमें ना सिर्फ खुदा गैर कौमों के लिए बात करता है बल्कि वो खोजा की भी बात करता है कि वो खोजे अपने आप को हरगिज ना कहे मैं सूखा दरख्त हूँ, और खुदा उनके लिए बोलता है, फरमाता है कि मैं उनको बेटे बेटियों से बढ़कर नाम दूंगा। तो मैं हैरत ज़दा होती थी कि मुझे ट्रांस, ये ख्वाजा सरा, पाकिस्तान में इनको ट्रांसजेंडर आमतौर पर कहा जाता है इंग्लिश में, और ख्वाजा सरा या हिजड़ा या जनाना, ये अल्फाज ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं बाइबल मुकद्दस में, जिसके लिए ख्वाजा या ख्वाजा सरा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो मेरी आदत थी कि जब भी मुझे रोड पर कोई ख्वाजा सरा मिलता था तो मैं खड़ी होकर उनको जो खुदा तौफीक देता था हदिया नजराना देकर, तो मैं ये बाइबल की ये आयात हमेशा उनको पढ़ के सुनाती थी कि दुनिया बेशक आपसे नफरत करती है, दुनिया आपका मजाक उड़ाती है, दुनिया आपको कबूल नहीं करती, लेकिन मैं उन्हें बताती थी कि मैं क्रिश्चियन हूँ और बाइबल में तौरात में आपके लिए खुदा का बहुत खूबसूरत मंसूबा लिखा हुआ है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे किसी ख्वाजा सरा ने कहा हो कि हम क्रिश्चियन हैं। मैं पूछती थी उनसे, लेकिन मुझे कभी किसी क्रिश्चियन ख्वाजा सरा से मिलने का इत्तेफाक ना हुआ, और मैं हमेशा दुआ करती थी। और इस दौरान COVID-19 जब यहाँ पे वबा पूरी दुनिया में फैली और यहाँ भी लोग मुतासर हुए, तो ख्वाजा सरा के दौरान जब मैं दरमियान जब राशन बांटा, तो काफी जगहों में, इलाकों में जाकर राशन बांटा, और फिर मेरे जहन में आया कि मेरा इलाका सदर है, क्यों ना मैं यहाँ पर भी अपने घर में, अपने चर्च से यहाँ पर भी ख्वाजा सरा को बुलाऊं और राशन बांटूं। तो मैंने, मुझे रोड पे ये ख्वाजा सरा मिली, मैंने उससे बात की कि ऐसे ऐसे है और मैं चाहती हूँ राशन जो सदर के ख्वाजा सरा उनमें बांटूं। तो उसने मुझे कहा कि हमारी लीडर है निशा, वो एडवोकेट है, तो आप उससे बात करें। तो मैंने निशा से बात की, मैंने उसे कहा वो एडवोकेट है और वो क्योंकि अपने आप को उसने ओपन किया है, और वो शी इज नोन एज टू बी द फर्स्ट ट्रांसजेंडर एडवोकेट। लेकिन यहाँ मैं ये भी बताती चली जाऊं कि एक क्रिश्चियन ट्रांसजेंडर है जो कि जिसका ताल्लुक लाहौर से है और वो 10 साल से खिदमत में, लेकिन वही कल्चरल दबाव की वजह से, माशी दबाव की वजह से, माशर्ती दबाव की वजह से वो सामने आके कभी भी नहीं बताती कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ।
अभी भी वो है लेकिन वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, वो नाम भी नहीं डिस्क्लोज करते, लेकिन निशा जो है वो ओपनली सामने आई है और उसने अपने आप को मनवाया भी है। तो निशा जो है वो लेकर आई मेरे घर में 10 मुस्लिम ट्रांसजेंडर्स को और एक क्रिस्टल ट्रांसजेंडर को लेकर आई जिसका नाम नासरा गिल था। तो उसने कहा ये क्रिस्टियन ट्रांसजेंडर है, और निशा ने मुझे कहा पास्टर जी कराची में सिंध में 2000 जो है क्रिस्टियन ट्रांसजेंडर है, कोई उनके लिए काम नहीं करता, आप भी राशन बांट रही हैं मुस्लिम ट्रांसजेंडर में बांट रही हैं, आप क्रिश्चियंस के लिए क्यों नहीं काम करती। तो मेरे साथ ये क्रिश्चियन ट्रांसजेंडर है नासरा गिल। तो जब मैंने नासरा से बात की तो नासरा मुझे इतनी खुशी हुई कि नासरा ने उठकर राशन बांटने से पहले सबके लिए दुआ की, और फिर जब मैंने उससे गुफ्तगू की थोड़ी सी डेढ़ मिनट का मैंने उसका व्यू लिया तो उसने अपने पहले ही इंटरव्यू में एक बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा कि यसुमसी सिर्फ हम क्रिश्चियंस के लिए नहीं आया, यसुमसी पूरी दुनिया के लिए आया। जब इसने ये बात की तो मुझे समझ आई कि ये तो कलाम की गहरी बातों को समझती है। तो मैंने इससे कहा कि मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर क्रिश्चियन ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करें। तो इस तरह हम दोनों ने मिलकर ये दुआ भी की और अहद भी किया कि अब क्रिस्टल ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करेंगे। फिर इसके साथ ही है आरजू, नासरा ने मुझे आरजू से मिलवाया। नासरा ने बेसिकली आरजू पर भी काम किया, चर्च में आए हमने जब पहली ओपनिंग की उसमें सबको बाइबल दी गई और राशन भी दिया गया, लेकिन इन्होंने जब मैंने इनको कलाम सुनाया और उसके बाद मैं ओपनिंग सेरेमनी के बाद एक संडे मैं इनको एक दूसरे चर्च में लेके गई जो मेरा ही चर्च है, और वहां पर क्या हुआ कि इशाए बानी की इबादत थी तो मैं तो आगे इशाए बानी दे रही थी, तो मुझे था ये सारे ख्वाजा सरा जो मौजूद थे कि आएंगे इशाए बानी में, तो एक ख्वाजा सरा ने इशाए बानी ली और दूसरे ने नहीं ली। तो मैंने जब इबादत खत्म हुई मैंने जाकर पूछा कि आप ने क्यों नहीं ली इशाए बानी क्यों नहीं ली, उससे बताया कि मुझे मना किया गया था चर्च एल्डर ने। तो मैंने चर्च एल्डर से पूछा कि क्यों मना किया गया था, उन्होंने कहा कि ये बात नहीं है। मेरे लिए ये बड़ी तकलीफ से बात थी, मैंने उनसे कहा आप को कैसे मैं जान सकती हूँ कि आप पाक है, आप कैसे ये फैसला कर सकते हैं ये पाक है कि नहीं। मैंने कहा जब हम इशाए बानी की इबादत करते हैं तो हम ऑल्टर से कॉल देते हैं कि सब मुनासिब तरीके से इसमें शरीक हों, और जो कोई खुदा के बदन और खून में ना मुनासिब तरीके से शरीक होगा वो सजा पाएगा, और बथेरे बीमार है और मर भी गए हैं। तो मैंने कहा जब ऑल्टर कॉल दे दी जाती है तो हर फर्द का जाती फैसला है कि वो इशाए बानी में शरीक हो या ना हो, वो अपने आप को जानते और परखे। तो मुझे तकलीफ हुई, फिर जब मैंने आरजू से भी बात की तो आरजू ने बड़े दुख से कहा कि मेरा भी दिल करता है मैं बाइबल पढूं। फिर एंजल जो इस वक्त चाय बांट रही है जब इससे बात हुई तो इसने कहा मेरा भी दिल चाहता है कि मैं वर्शिप करूं। तो हमें तो ना चर्च में जब हम जाते हैं तो कभी अव्वल तो जाते ही नहीं है, हम चर्च में जाते हैं तो कोई हमें कहता औरतों की तरफ बैठो, कोई कहता मर्दों की तरफ बैठो, कोई कहता दुपट्टा लो, कोई कहता दुपट्टा ना लो, कोई कहता लिपस्टिक ना लगा के आओ, कोई कहता है कि कपड़े लड़कों वाले पहन के आओ। तो ये सारी चीजें जब मैंने ये जो मेरे घर का कमरा है पादशाह जहां इस वक्त हम लोग बैठे हैं ये इनका काउंसलिंग रूम है, ये इनका बाइबल स्टडी रूम है, इनको जब कोई मसला होता है ये यहाँ पर आते हैं बैठते हैं। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं हमारा चर्च हो जहां हमें ना कोई घूर के देखे। उन्होंने कहा जब कभी हम जुरत कर ही लेते हैं साल दो साल के बाद चर्च में जाने की तो लोग हमें घूर घूर के देखते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं, कुछ हंसते हैं, तो ना हम इबादत कर सकते हैं ना दूसरे लोग इबादत कर सकते हैं, तो क्यों ना आप हमारा अलग से चर्च शुरू करें क्योंकि दूसरे लोग तो हमें कबूल नहीं करते। तो जब मैंने इनका दुख सुना, इनकी डिजायर देखी कि ये इबादत करना चाहते हैं लेकिन चर्च के दरवाजे इन पर बंद किए गए हैं, फिर जब मैंने कलामे खुदा में से और गहरे तौर पर ख्वाजा सरा के ऊपर रिसर्च की, जानने की कोशिश की,
तो मुझे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दसा उसका 19वां बाब उसकी 12वीं 13वीं आयत में खुदावंद यसू मसीह के पास लोग आते हैं, तो यसू मसीह फरमाते हैं कि तीन तरह के खोजे हैं, एक खोजे जो बाई बर्थ खोजे होते हैं, एक जिनको इंसान खोजा बना देते हैं, तीसरा वो जो अपनी मर्जी से खुदा की बादशाहत के लिए अपने आप को खोजा बना लेते हैं। तो इनके लिए यूनिक का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ये वो ख्वाजा सरा लोग होते हैं जो बाई बर्थ, ये जो सारे आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपके इस चैनल की प्रोसेस से, इस चर्च की मार्फत से ये बड़ी गलत फहमी लोगों की दूर करना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर का लफ्ज जो वेस्टर्न दुनिया में शायद किसी और तरह से देखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ये उन ख्वाजा सरा के लिए, ये जितने ख्वाजा सरा आपके सामने बैठे ये बाई बर्थ ख्वाजा सरा है, और इन्होंने ना तो अपनी जिंस को तब्दील की, ना हम गेज के हक में है, ना लेस्बियन के। मैं तो कहती हूँ अगर गेज और लेस्बियन में से भी कोई तौबा करता है तो खुदा उनको भी कबूल करेगा, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके बारे में यसाया नबी के सहीफा में भी लिखा है कि खुदा इनको बेटे बेटियों से बढ़कर नाम और दर्जा देगा। मेरा वालदैन से सवाल है कि मैं पंजाब में गई, जब वहां मैंने बात की तो एक वालदैन एक घराना था जिनके अंदर ख्वाजा सरा बच्चा था, तो वो मुझे कहने लगे, मैंने कहा आपका वो बच्चा कहाँ है, वो कहती वो तो ख्वाजा सरा के साथ दूसरे लोगों के साथ रहता है, तो मैंने कहा उनको आप चर्च नहीं लाते, कहने लगी उनका तो कोई दीन ईमान होता नहीं। तो मैंने उस माँ से पूछा, मैंने कहा आपके बाकी बच्चों का दीन ईमान है, तो कहने लगी जी मेरे बाकी बच्चों का दीन ईमान है, वो संडे स्कूल जाते हैं, यूथ में जाते हैं, उन्होंने बैप्टिज्म लिया है, वो खुदा में बड़े मजबूत है। तो मैंने कहा अगर आपके बाकी बच्चों का दीन ईमान है तो आपके ख्वाजा सरा बच्चों का क्यों नहीं दीन ईमान। फिर मैंने उन्हें बाइबल से सिखाया, तो उस माँ ने उसी वक्त तौबा की, बल्कि घर जाके मुझे 5,000 ला के दिए, उससे कहा ये आप अपने ख्वाजा सरा चर्च के लिए रखे। फिर जब मैंने कराची में यहाँ पर आबादत शुरू की तो दुनिया जहान से मेरे हस्बैंड को फोन आना शुरू हो गया, बहुत से पास्टर्स के भी फोन आए, ये आपकी बीवी ने कौन सा काम शुरू कर दिया। तो मेरे हस्बैंड ने भी बाइबल से बात की और उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनको कोई कबूल नहीं करता, जिनको वालदैन घरों से निकाल देते हैं। ये आपके सामने बैठे इन सबों ने आपको बताया कि ये किराए के घरों में है, इनके शनाख्ती कार्ड नहीं है, इनको कोई अपना नाम नहीं देता, कोई शनाख्त नहीं देता, जबकि खुदा का कलाम इतनी खूबसूरती से इनके बारे में अपने मंसूबे को बयान करता है। मेरा वालदैन से सवाल है कि अगर उनके नाबीना बच्चा पैदा हो जाता है, माजूर बच्चा पैदा हो जाता है, क्या वो उसको शेम फील करते हैं? वो उस बच्चे की तो बड़ी अच्छी तरबियत करते हैं, उसके लिए फिक्रमंदी करते हैं, उसको लोगों के सामने ला के बताते हैं कि ये हमारा नाबीना बच्चा पैदा हो गया है, इसके लिए दुआ करें। तो अगर ख्वाजा सरा बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके लिए क्यों शर्म महसूस करते हैं? अभी एंजल यहाँ नहीं है, वो एंजल बाहर गई है, वो कहती है कि मुझे बुला लेंगे, वो ब्यूटिशियन है, मुझे बुला लेंगे, सारे शादी की मैं तैयारियां करवाऊंगी, मेहंदी के लिए जब जाने लगेंगे तो मुझे कह देंगे नहीं तू ना जा, ताकि लोगों को ना पता चल जाए कि तू हमारे खानदान का फर्द है, ना मुझे शादी में शरीक करेंगे, ना मुझे मेहंदी में शरीक करेंगे, मेकअप मुझसे करवा लेंगे। अब ये ख्वाजा सरा का अलमिया है कि इनको लोग अपने खानदान की शिनाख्त नहीं देना चाहते। मेरे पास कुछ बड़े इस ट्रिनिटी चर्च के लोग आ गए, जैसे ही हमने चर्च की इत्तला की थी तो एक ख्वाजा सरा की डेथ हो गई, उसके जनाजे का सारा इंतजाम मैंने किया, वो मैंने फेसबुक पे डाला, जो मैं हेल्प कर सकती थी उसमें मैंने हेल्प की निशा के साथ मिलकर। तो वो लोगों ने देखा मुझसे पूछने आए कि ये ख्वाजा सरा को कैसे दफनाते हैं, मैंने कहा जैसे आम लोगों को दफनाते, कहते नहीं नहीं ख्वाजा सरा को तो रात के 12 बजे लेकर जाते कब्रिस्तान और खड्डा खोद के उनमें डाल देते। मैंने कहा क्यों खड्डा खोद के डाल देते, क्यों, ये खुदा की मखलूक नहीं है? यानी ऐसी अजीब अजीब बातें, कोई मुझे कहेगा, एक पादरी साहब मुझे कहने लगे पास्टर जाना अब तो ये आपके चर्च में आते हैं तो अब आप इनसे बोले कि ये लड़कों वाले कपड़े पहन के आए। मैंने पादरी साहब से कहा, मैंने कहा पादरी साहब ये आपने पैंट शर्ट पहनी हुई, कहते जी, मैंने कहा कल आप जब चर्च में आए ना तो जरा धोती तहमत और कुर्ता पहन के आए, कहते नहीं बाजी ये कौन सी बात आप कर रहे हैं।
मैंने कहा क्यों नहीं आपने पहनना, वो इतना डिसेंट लिबास है, आप वो पहन के, कहते नहीं मुझे तो उसमें चलना ही नहीं आएगा। मैंने कहा अगर आपको ये पैंट शर्ट हटा के तहमत और मैं कुर्ता पहना दूं, आप कहते आपको चलना नहीं आएगा, तो ये जो ख्वाजा सर है इनको जिस लिबास में चलना आता है, जो इनकी शिनाख्त है, जिसमें ये कंफर्टेबल है, मैं उसी में जिस हालत में खुदा ने इनको बुलाया, ना ये लड़का है ना ये लड़की, ये शी फेमेल, शी मेल है, ठीक है। अभी एक बाइबल कैंप में मैंने नासरा और आरजू को भेजा था, ठीक है, और पहली दफा ये भी हुआ कि ये कैंप में गए हैं और कैंप वालों ने इसे कबूल किया। वहां पर इनको लड़कियों के कमरे में ठहरा रहे थे, इन्होंने कहा हम तो लड़कियों के साथ कंफर्टेबल नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा आप लड़कों के साथ रुक जाए, इन्होंने कहा हम लड़कों के साथ कंफर्टेबल नहीं, हमारा मखसूस पहनावा है, हमारा मखसूस तरीका तैयार होने का, ना हम लड़कियों के साथ रह सकते हैं ना लड़कों के साथ, हमें अलग कमरा चाहिए। अब मुझे बताएं कि अगर लड़कियां हैं ईमानदार लड़कियां, उनको आप लड़कों के साथ नहीं रखते, अगर ईमानदार लड़के आप उनको लड़कियों के साथ नहीं रखते, एक जगह नहीं सुलाते उनको, तो ये ख्वाजा सरा है, आप इनको कैसे लड़कियों के बीच में डाल देंगे या आप इनको कैसे लड़कों के बीच में डाल देंगे। तो ये सारे मामला देखकर कि कोई इनको चर्च में शायरबानी नहीं लेने देता, कोई इनको बाइबल नहीं पढ़ने देता, कोई इनको वर्शिप नहीं करने देता, तो ये सारी चीजों को देखकर इन्होंने कहा इनकी ख्वाहिश पे कि इनकी अलग जमात बनाई जाए जहां पर ये सारे ख्वाजा सरा हो, ये कंफर्टेबली आके बैठ कर दुआ करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर वर्शिप करते, कलाम सुनते हैं, ये ख्वाजा सरा है। और बाइबल मुकद्दस में मैं शुक्र करती हूँ खुदा की पाक जात का कि ना सिर्फ मत्ती की इंजील में जीसस क्राइस्ट ने इनके बारे में बयान किया, अमाल की किताब में हबशी खोजा का जिक्र है, अमाल 8:26 से लेकर ऑनवर्ड, कि खुदा फरिश्ते को अपने रसूल के पास भेजता है कि जा हबशी खोजा को जाकर खुदा का कलाम सुना। ना सिर्फ वो खुदा का कलाम उन्हें सुनाया सिखाया जाता है, वो इबादत करके वापस आ रहा होता है और खुदा वहां पर अपने रसूल फिलिप्पस रसूल को भेजता है, वो और वजाहत से उसे खुदा के कलाम को सिखाता है और उसके बाद उसे बपतिस्मा देकर यसूसी की जात में भी पैवस्त करता है। तो जब कलाम खुदा में हमें जगह 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 मिलता है कि खुदा ख्वाजा सरा को कबूल करता है, ये खुदा की मखलूक है, ये उसी तरह बेटे बेटियां हैं जिस तरह दूसरे बेटे बेटियां हैं, लेकिन ये ख्वाजा सरा बच्चे हैं, तो हमें इनको तस्लीम करना है। मैं आपकी वसादत से सुनने वाली कलीसिया को, ईमानदारों को बताना चाहती हूँ, यर्मिया नबी का सहीफा 38:39, यर्मिया नबी जो कि बहुत बड़ा नबी है ओल्ड टेस्टामेंट का, जिसकी खिदमत का हम बयान करते हैं, अगर आज हम यर्मिया नबी को जानते हैं, अगर आज हम यर्मिया नबी के काम से वाकिफ है, खिदमत से वाकिफ है, तो यर्मिया नबी को जब एक होज में लटका दिया गया था, सजा दे दी गई थी, वहां पर बड़े बड़े यहूदी लीडर मौजूद थे, वहां पर किसी को यर्मिया नबी के मोहब्बत, उसकी खिदमत और उसके करदार और उसके नबी होने का एहसास नहीं हुआ, वहां पर अबद मलक कोशी जो एक ख्वाजा सरा था, वो अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर बादशाह के हुजूर जा खड़ा होता है और यर्मिया नबी की जिंदगी के लिए दरख्वास्त करता है, वो अपने सर को अपनी गर्दन को खतरे में डाल देता है और उस बादशाह से कहता है यर्मिया नबी मर जाएगा, और बादशाह उसकी बात को सुनता है और यर्मिया नबी को उस होज से निकाल लेता है। तो यर्मिया नबी को जिंदगी बख्शने वाला, उसकी खिदमत को बका देने वाला एक ख्वाजा सरा। फिर 39 चैप्टर अगर पढ़े हम यर्मिया नबी, यर्मिया का सहीफा, उसमें खुदा भी फिर उस अबद मलक कोशी की फिक्र करता है, जहां सिदकिया बादशाह को सबको सजा दे दी जाती है, उनकी आंखें निकाल दी जाती है, उनके बेटों को कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन खुदा फिक्र करके पहले से यर्मिया नबी को कहता है अबद मलक कोशी को बता देना कि तुझे जिंदगी मिलेगी, तुझे बका मिलेगी, तेरी जिंदगी की मैं हिफाजत करूंगा। खुदा अपने कलाम को अबद मलक कोशी के लिए नाजिल फरमाता है। दानियल नबी का सहीफा देख ले, आस्तर का कहानी को पढ़ ले, जगह 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 हमें पता चलता है कि खुदा ख्वाजा सरा को
इज्जत देता है, अपने कलाम को उनके लिए नाजर फरमाता है, अपने रसूलों को बचाने के लिए, जिंदगी देने के लिए खुदा उन्हें इस्तेमाल करता है, लेकिन चर्च ने बहुत बड़ी गफलत बख्शी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच सिस्टर गजाला इस सारी डिटेल के लिए, थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के लिए। अच्छा, जो लोग नजर नहीं आ रहे या पीछे जगह खाली है, आप लोग पीछे आ सकते हैं, सेंटर में जगह खाली है, वहां बैठ जाएं ताकि बाकी लोग आराम से बैठ जाएं। हां जी, अब मैं चूंकि सवाल करूंगा आप लोगों से, सो फील फ्री टू आंसर, ठीक है। जैसे सिस्टर गजाला ने शेयर किया है, उन्होंने शेयर किया है अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और नासरा का नाम लिया उन्होंने, नासरा सबसे पहले मिली। सो नासरा, आप बताइएगा कि आप आपका ये एक्सपीरियंस जो था, ये जो जर्नी है, आपका जो सफर है, ये कैसे गुजरा, और इसमें क्या क्या चैलेंजेस जो थे वो आपने फेस किए, और आपने अपने इस सारे चैलेंजेस में जब हर तरफ से रिजेक्शन थी, तो आपने अपने ईमान को कैसे कायम रखा, वो कौन से एलिमेंट थे, वो क्या वसाइल थे, क्या रिसोर्सेज थे कि आपका ताल्लुक खुदा के साथ जो है वो नहीं टूटा, प्लीज शेयर कीजिएगा। ईमान में तो शुक्र है खुदा का, मैं शुरू से मेरा यीशु मसीह पे ईमान है कि वो हमारा शख्सी निजात दहिंदा है, और मैंने पूरी बाइबल पासा पढ़ी हुई है, पूरी बाइबल, लेकिन वर्बली तौर पर समझ किसी ने समझा के मुझे नहीं पढ़ाई, लेकिन ये है कि मैंने पढ़ी हुई है, और अक्सर गाहे बगाहे मैंने बाइबल को पढ़ना होता है, और मेरे दिल में ये दर्द था कि जिस तरह दूसरे लोगों के लिए काम हो रहा है, दूसरे कौम के जो ट्रांसजेंडर हैं, तो मेरे जो क्रिश्चियन ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए कोई काम नहीं कर रहा, और दूसरा ये कि वो दूसरों के पीछे लगे हुए हैं गैर कौमों के, और वो खुद को खुद ऑन नहीं कर रहे, तो मेरे दिल में ये बोझ था। मैं ये चाह रही थी कि मेरे लोग खुद आए आगे, क्योंकि उनमें टैलेंट भी है, उनमें अकल भी है, शौर भी है, सब चीजों का पता है, और सबसे बड़ी बात उनके पास खुदा का कलाम, जिंदा कलाम है, तो फिर उनसे क्यों नहीं वो रोशनी देते, उनसे उससे क्यों नहीं वो पूछते कि क्या है हमारे बारे में, या किस तरह हमने खुदा के साथ चलना है, या जमाने के साथ चलना है। तो मैंने अपने सफर का आगाज करते करते इस तरह मैंने बहुत सारे इधर उधर भटकती रही, लेकिन यह है कि कोई मुझे नजर नहीं आ रहा था, जिस तरह चर्च भी जाना होता था तो पीछे बैठ के बस मैंने दुआ जो कम्प्लीटली हुई तो मैंने अपना बस निकल के आगे चर्च से, ना कोई ऑन करता था चर्च में और ना कोई पूछता था, इस तरह के मैं चाह रही थी प्रैक्टिकल तौर पर जो है खुदा का कलाम इनके दिलों पर नक्श किया जाए, इनको बताया जाए कि खुदा जो है आपसे प्यार करता है और आप का आपकी फिक्र करता है खुदा। तो खुदा का शुक्र है कि एक मैं दुआओं में भी रहती थी और लोग दूसरे लोगों से भी दुआ करवाती थी, खुदा का वो वक्त आएगा कि हमारे लोग रोशनी को देखेंगे, रोशनी तो सामने है लेकिन उनको समझ नहीं आ रही। तो उसी दौरान खुदा ने मुझे जो है खुदा की खादमा पास्टर गजाला से मिलवाया, और उसने मुझे मेरे जहन को ऐसे रोशन किया खुदा के कलाम की वसीले से, और मैंने ये अहद बांध लिया उसी दिन से। मैंने कहा भले कुछ भी हो, आंधी आए, तूफान आए, मैंने चट्टान की तरह खड़ी रहना है और मैंने अपने लोगों को लीड करना है, और मैंने इस तरह से नहीं रहने देना तरीकी में अपने लोगों को। तो शुक्र है खुदावंद का, अभी भी बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही है, बहुत तनकीद भी लोग कर रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये खुदा से अहद किया हुआ है, मैंने इधर उधर नहीं देखना, मैंने लोगों की बातों को नहीं सुनना कि वो लोग क्या कह रहे हैं, मैंने खुदा की तरफ नजरें मेरी लगी हुई हैं और मैं खुदा को देख रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि एक दिन जरूर वो ऐसा दिन आएगा जब ये लोग भी खुदा के बहुत ही करीब होंगे और ये दुनिया में खुदा की बाइबल की मनादी करते होंगे। बहुत पावरफुल आपकी गवाही है, और मैं खास तौर पर चूंकि सिस्टर गजाला ने बात की, आपने देखा होगा कि मेरे नजदीक चूंकि हमारे पाकिस्तान या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ये सिर्फ आपका मसला नहीं, मैं आपको बताऊं पूरी दुनिया का मसला है ये, आपकी कम्युनिटी को अपनी आइडेंटिटी आम लोगों के साथ रिलेट करने के लिए बड़े सफर करना पड़ा है, बड़ी जंग लड़नी पड़ी, अभी भी लड़ रहे हैं, ठीक है। बाहर के मुल्कों में सिर्फ यह है कि चूंकि यहां पर इंसानों की कदर की जाती है और ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है, जेंडर इशू जो है वो अब चर्च में आया है, और बहुत सारे चर्चेज जो हैं आप देखेंगे कि औरतों को बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ी है अपने अपने आप को चर्च में उनका जायज मकाम दिलाने के लिए। पास्टर गजाला शफीक जो है वो इसकी एक मिसाल है पाकिस्तान में,
और भी लोग हैं, और ये वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ऐसे ही है। खवातीन को बड़ी जंग लड़ना पड़ी है, ठीक है, कि उनको चर्च की लीडरशिप में कबूल किया जाए। सो आप लोगों की भी जो कम्युनिटी है वो भी ऐसे लड़ रही है। हमारे इंडिया पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम चूंकि अभी तक हमारी जो बिब्लिकल थियोलॉजी है उसको हम अभी तक डेवलप नहीं कर पाए कि बाइबल मुकद्दस की क्या फाउंडेशन है अबाउट द ह्यूमन सेक्सुअलिटी। जब हम सेक्स की बात करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कोई मेल या फीमेल जो है वो कहीं पर इंटरकोर्स कर रहे हैं तो बच्चे ही पैदा किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है, इस वक्त आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं, इस वक्त दुनिया के अंदर अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे और जब वो आपका जेंडर पूछते हैं तो मोर देन 70 कैटेगरीज, कैन यू बिलीव दैट, 70 से ज्यादा कैटेगरीज हैं। LGBTQ तो मशहूर हो गया ना, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर और क्यू जो है तो, लेकिन इसके अलावा 70 किस्म की जो है जेंडर फॉर्मेलिटीज हैं और लोग उसके अंदर अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप अकेले नहीं है, ठीक है, 70 के करीब इस तरह के और बड़े जेंडर इश्यूज हैं जो दुनिया डील कर रही है। बीइंग अ चर्च होते हुए, बीइंग अ क्रिश्चियन होते हुए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कलीसिया जो है उसको ये समझना चाहिए कि खुदा का जो इमेज है, खुदा ने पैदाइश पहले बाप की 27वीं आयत में लिखा हुआ है कि खुदा ने नर और नारी उनको पैदा किया और खुदा ने उनको अपनी सूरत अपनी शबीह पर बनाया। सूरत और शबीह सिर्फ नर और नारी के अंदर नहीं है, क्योंकि यसुम ने जब ये कहा ना कि बाज खोजे पैदा ही ऐसे होते हैं जैसे सिस्टर गजाला ने शेयर किया है, तो यू बॉर्न विद द इमेज ऑफ गॉड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको शर्मिंदा होने की, आपको किसी भी किस्म का ह्यूमिलिएट अपने आप को फील करने की जरूरत नहीं है। यू आर बॉर्न विद द इमेज ऑफ गॉड, खुदा की सूरत और शबीह आपके अंदर भी मौजूद है। सो दैट इज द बेसिक थिंग। सो ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि बाइबल मुकद्दस की तारीख में सिस्टर गजाला ने जिक्र किया है यर्मिया नबी का, उसको बचाने वाले का, लेकिन आपको पता है हबशी खोजे का जिक्र किया है। दानियल के बारे में जो हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एस्टर मलका की स्टोरी में भी मोस्टली जो खोजे होते थे बाज को तो खोजा उनको वो कैसरेट कर देते थे, वो लड़के ही होते थे लेकिन उनको वो जिसे कहते ना हमारे उर्दू में खसी कर देते थे। उसकी वजह क्या होती थी, क्योंकि वो टैलेंटेड लोग होते थे, पढ़े लिखे होते थे, वेल एजुकेटेड होते थे, उनकी खिदमात तो ली जाती थी। जैसे अभी इन्होंने मिसाल दी है, मेकअप तो करा लिया, मेहंदी भी लगवा ली, सारा कुछ करवा लिया, लेकिन उनसे उनको सोसाइटी में मकाम नहीं देते। तो बादशाह क्या करते थे, जो बादशाहों के हरम होते थे जिसमें उनकी उनकी मलका होती थी, जिसमें उनके सारे का सारा हरम सरा होता था, उनके इंचार्ज उनको बनाया जाता था, क्योंकि उनको ये होता था कि भाई अब ये जाहिर है कि इनकी सेक्सुअल जो है वो पावर तो नहीं है, तो उनको खतरा नहीं होता था कि ये हमारी औरतों के साथ किसी किस्म की हरकत करेंगे। दैट्स व्हाई उनकी पूरे का पूरा जो जनान खाना होता था मलका के चेंबर से लेकर हरम सरा था, वो सारा उनके अंडर होता था। और दानियल के बारे कहा जाता है कि ही वाज कैस्ट्रेट, और इसीलिए उस ही वाज ही बिकम मैं गई, लेकिन खैर एनीवे। तो बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिनको जो ट्रांसजेंडर बने, पैदा हुए या बनाए गए किसी भी पॉलिटिकल या किसी भी वजह से, लेकिन खुदा ने उनसे काम लिया। मेरा आप लोगों से जो सवाल है, आप प्लीज अपना हाथ खड़ा करके बता सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, क्योंकि मोस्टली आप मेरे मोहल्ले से हैं, ईसा नगरी से हैं, और हो सकता है कि बचपन में भी और वैसे भी कहीं पर मेरा और आपका किसी चर्च में, किसी गली मोहल्ले में, या कहीं पर आपके साथ मेरा जो है वो कहाँ चले गए, ये हमारी रुकी है जी, ओके जी, हाँ जी सॉरी, ये मेरे ख्याल में वो कुछ हो गया था। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। ओके वंडरफुल। तो मेरा सवाल आप बारी बारी बताइएगा, चूंकि आप मेरे इलाके से हैं, बचपन में शायद कहीं कैथोलिक चर्च में गली नंबर 3 के या किसी म्यूजिक के प्रोग्राम पर, क्योंकि मैं म्यूजिशियन भी हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, और फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च गली नंबर 7 में आप में से कुछ लोगों ने शायद देखा होगा वर्शिप लीड करते हुए या मुझे एंगेज होते हुए कहीं पर, आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपको किस एज में जाकर ये एहसास हुआ कि आप मेल फीमेल कैटेगरी से बाहर हैं, और उसका रिस्पांस आपकी फैमिली ने कैसे दिया। एनीबॉडी जी जी, मैं सब की सलामती हूँ जी। तो हमारे एक कुदरती खुदाम की तरफ से निजाम होता है जो हम ट्रांसजेंडर होते हैं, और जब हम थोड़ी थोड़ी बड़ी होती हैं, पहले हम स्कूल पढ़ती थी, सेंट पॉल स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, सदर किरण बात कर रही हूँ, पास्टर सेंट पॉल स्कूल सदर में पढ़ी हूँ मैंने, मैट्रिक किए यहाँ से,
तो वहां जब हम जाती थी तो हमारी लड़कियों वाले एक्शन होते थे, यूनिफॉर्म पहनते थे, तो मतलब और दो चार मेरी और भी दोस्त थी तो हमारा एक अलग ग्रुप होता था, उनके साथ हम घूमते फिरते। फिर हम कॉलेज के वहाँ गए तो आपको पता कॉलेज के माहौल कैसे हैं, यहाँ पे बुल होते, तो फिर हमने यानी कि हम खुद ही ना अपनी फिर दुनिया में चले जाते हैं, मतलब माँ बाप से लैदा हो जाते हैं। वो तो कहते हैं मतलब लड़कियों वाले कपड़े पहनो, ये तो ये हो नहीं सकता हमारे से। तो हम लोगों को फिर ये ख्वाहिश होती है जब हमने फील्ड में अपने अच्छे कपड़े पहने, सुर्खी मेकअप, वो जो शौक होते हैं वाजसरा के वो पूरे करते हैं, और बस ये कि फिर हमारी फैमिली कहती है कि आप मेरी बदनामी करा रहे हो, ये कर रहे हो, फिर हम उनसे अलहदा हो जाते हैं, फिर हम आपकी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। और बस ये खुदा का शुक्र है कि जिंदगी में पहले था पास्टर रसाला जो हमें मिली है, और इन्होंने हमारे क्रिश्चन के जितने भी हम सब क्रिश्चन है इन्होंने हमें गाइड किया, और हम बहुत खुश हैं कि हमारी तो कोई इज्जत नहीं वैल्यू थी। बस आपको पता है पास्टर जी हर काम में नाचना गाने में लोग हमारे साथ खुश रहते हैं, इस तरीके से नहीं, इस लेवल पे नहीं मिलते थे कि हमें इनको अच्छी नजर से देखें या प्यार करें या जो करें। और ये ख्वाहिश हमारे पास्टर रसाला कराची में क्या मेरे ख्याल में तो पूरे पाकिस्तान में ही पास्टर रसाला जिन्होंने हमें बहुत रिस्पेक्ट दिया, और हमें बहुत खुशी है कि हमारे भी क्रिश्चियन जो है हमारे लिए कुछ कर रहे हैं पास्टर जी। और देखिए एनजीओ वगैरह मुस्लिम के वो उनके अपने होते हैं, हमसे पूछते आप कौन हो, क्रिश्चियन है, आपने शायद नेट पे भी देखा होगा तो हमारे काफी जो क्रिश्चियन लोग हैं गरीब थे तो उन राशन लेने जाते थे कोरोना में, तो उनको कहते थे कि आप मुस्लिम हो जाओ फिर आपको राशन देगा। तो हमने कहा भाई हमने तो नहीं चाहिए राशन वाशन, खुदा हमें बहुत देता और खुदा का शुक्र है हम बहुत अच्छा अपने आप को गाइड करते हैं। और ये आज जो कुछ भी हम बैठे हैं और आपके सामने रिक्वेस्ट कर रही है पास्टर जी पास्टर की वजह से। ओके जी थैंक यू वेरी मच। सो आपकी फैमिली जो है आप बता रहे हैं कि वो तो आपको मना करते थे, कहते थे कि लड़कों वाले कपड़े पहनो, लेकिन अरजू आप भी चर्च का एक बड़ा हिस्सा हैं और क्या कहना चाहिए कि आपका एक रोल है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आपकी फैमिली ने और फिर उसके बाद चर्च ने, जिस चर्च के आप मेंबर थे यहाँ जहाँ आते जाते थे, उसका क्या रिएक्ट आया आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन होने के दौरान, या उन्होंने कैसे उसको कबूल किया, और देन फिर हम अगले सेशन में आएंगे, मैं आपसे एक सवाल और करूंगा, बाकी लोग प्लीज जवाब दीजिएगा कि आप जब अपने खानदान से अलग होते हैं तो फिर आप सरवाइव कैसे करते हैं। जी आरजू आप सबको मेरे से पहले सलाम, मेरा नाम आरजू जान है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हुई है कि जब मैं मिल कम उम्र थी तो मैंने स्कूल में मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया, उस वक्त मैं बालिग नहीं थी और मुझे इतना पता नहीं था और ना माँ बाप को पता था मेरी प्रॉब्लम्स का कि मेरे हार्मोन्स जो है वो लेडीज हैं और मेरा उठना बैठना जो है शुरू से लड़कियों में बैठना उठना था। और यहाँ तक कि मेरे मोहल्ले वाले लोग भी मुझे जानते हैं और गली मोहल्ले वाले भी यही जानते हैं, उनको भी मेरी यही पहचान है कि ये छोटे होते ही ख्वाजा सरा। तो जब शुरू से लड़कियों में उठना बैठना शुरू कर दिया जिसका मकसद मेरे हार्मोन्स की फीमेल थे ना, क्योंकि मुझे तो इस तरह की काफी कैफियत का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि मुझे गली मोहल्ले वालों से भी बातें सुननी पड़ी, मेरे माँ बाप को इतनी बातें सुननी पड़ी और घर वालों से बाप से मारी पिटी तशद्दुद हुए हमारे साथ, चाचा जाद आ जाते थे, कजन आ जाते जो हमारे हमें मारने पीटने के लिए आ जाते थे लेकिन हम भी फिर भी उनका बर्दाश्त करती थी। लेकिन जब मैं बालिग हो गई तो मैंने मैट्रिक कर ली, मैट्रिक के बाद मैंने उसके बाद मुझे पता चला कि मैं ख्वाजा सरा हूँ और मुझे मेरी दुनिया नजर जैसे जैसे मेरी दुनिया नजर आती थी तो मैं अपने गुरुओं के पास चली गई थी। मैंने कहा मैं आपकी हूँ, मुझे आप अपने पास रखिए, मेरा घर वालों से दिल नहीं लगता और मेरे माँ बाप मेरी बहने मेरे कजन मुझे मारने पीटने के लिए आ जाते तो मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। फिर मैं अपने गुरुओं के पास चली, मेरे गुरु ने मुझे सीने से लगा लिया और कहने लगे कि आज तुम हमारी हो और तुम हमारे पास ही रहो, तुम क्यों परेशान होती हो। तो जैसे मुझे वहां से प्यार मिला मैं अपनी अपनी गैदरिंग में चली गई थी और मुझे काफी अच्छा लगा उसमें। लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे बाप ने मुझे लड़कों वाले स्कूल में भी डाल दिया, कहने लगे इसको लड़कियों से हटा के इसको लड़कों वाले स्कूल में डालो। लेकिन तेरी वही मेरी प्रॉब्लम्स वही थी, मुझे फिर भी मैंने अपने आप को बचाते 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 यहाँ तक पहुंची। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब प्रॉब्लम्स खत्म होनी चाहिए, हमें देखना चाहिए सब लोगों को कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये पास्टर गजाला है, ये रूहानी बहन भी है, रूहानी माँ भी है
या जैसे इन्होंने नासरा को गाइड किया, नासरा इनको मिली थी, नासर मुझे यहाँ तक लेके आई, मैं शायद मेरे कदम इस तरफ चलने थे, और पास्टर रोजाना जैसे जैसे हमारे पर इनका कसरत से ये जलाल चल रहा था, उन्होंने हमें अपने ऐसे ऐसे मारे भी, इनके कदम चलते आ रहे थे। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि जिस पास्टर रोजाना जो कुछ भी हमने, लेकिन ये खुदावंद का प्लान था, ये सब कुछ खुदावंद के प्लान की वजह से हम लोग ऐसे यहाँ तक पहुंचे। इसमें खुदावंद ने सबसे पहले पास्टर रोजाना को इस्तेमाल किया, कसरत से इस्तेमाल किया, और इनके जरिए से हम यहाँ तक पहुंचे। हमें हमें बहुत दुख होता है कि हमें किसी ने यहाँ तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि मैं जो कुछ मैं नहीं हासिल कर सकती, मुझे वो कुछ मिल गया है, मुझे ब्लेसिंग मिल गई है, ट्रेनिंग मिल गई है, मुझे बहुत कुछ मिल गया। जो कुछ हमारे आप ने नहीं दिया था वो हमें गहरों से आके मिल गया, ये हमारी बहन मानी बहन मिल गई, हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, दुनिया वाले भी बहुत कुछ कहते हैं कि तुम लोग को फंड मिल रहा है, तुम लोग को ये लूट जाएंगे, लेकिन ये हमारा इलम नहीं दे सकता थे हमसे। हम मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे से कोई, हम जो जहां से सीख के जाएंगे, कुछ पढ़ के जाएंगे, वो हमारा कोई इलम नहीं ले सकता हमसे। ये आजू है, ये जो ख्वाजा सरा के काम होते हैं वही करती थी, लेकिन खुदा का शुक्र है इसकी जिंदगी बदली। उसका चेहरा नासरा को जाता है, नासरा ने कांस्टेंट इसका पीछा किया, तो इसने कहा जी करियो, अब आप गलत काम नहीं करेंगी, अब आप बैगिंग करेंगी। तो ये आरजू करती, जब मैं पहले दिन बैगिंग करने गई तो किसी ने पता नहीं 10 रुपए रखे मेरे हाथ पे, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया क्योंकि मैं तो लंबे नोटों की आदी थी, तो मेरा दिल किया मैं उसके मुंह पे मारूं। फिर नासरा ने इसको सिखाया कि नहीं, कोई कुछ भी दे, कोई ना भी दे, आपने बरकत मांगनी है। और अभी आपको पता पिछले दिनों पाकिस्तान में कराची में फ्लड और रेन बहुत तबाही आई, उस दिन इन्होंने बताया इनके पास खाने को कुछ नहीं था, तो 3 घंटे ये इतने इतने पानी में ये बैगिंग करके 300 रुपए लेकर इन्होंने खाना खाया। बहुत मुश्किलात है, बहुत दुख है। अभी मैंने इनको बाइबल कॉलेज में भेजा, बाइबल कैंप करके आई है, और खुदा ने इसको पाक रूह का बपतिस्मा दिया, इसको नई पैदाइश का तजर्बा होगा। नासरा ने इसको कहा तुम्हें अब 4-4 घंटे मेरे साथ चलना होगा, इसने कभी ये काम नहीं किया था बैगिंग का, लेकिन नासरा ने कहा तू समझ तेरी टांगों में आयरन रॉड पड़ गए हैं, तू अब गलत काम नहीं करेगी, तू सिर्फ खुदा के लिए अपने जिस्म को देगी। और अब इन्हें भूखा भी रहना पड़ता है, इनको वो पैसे नहीं मिलते, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी खुदा को दे दी है। ये कहती है कि हमें खुदा के काम के लिए भूखा रहना पड़ा, जो कुछ करना पड़ा। अभी खुदा ने ये जब कैंप से वापस आई रास्ते में इसको पाक रूह का बपतिस्मा दिया, अभी अगले फ्राइडे ये अपना नई पैदाइश का केक काटेगी, बपतिस्मा लेगी। बहुत सी ये एंजल बैठी है, एंजल की जिंदगी को खुदा ने बदला, नाच गाने से छुटकर ये अब आई है खुदा की तरफ आई है, इसको अब हम ब्यूटी पार्लर कर करके मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। बात ये कि हमें इन जिंदगियों में इन्वेस्ट करना है। काश अगर माँ बाप इनको ना छोड़ते, इनकी माँ बाप इनको ना छोड़ते, उसने भी बैटरी किया हुआ, इसने भी बैटरी किया हुआ, काश के इनको तस्लीम कर लिया जाता कि ये ख्वाजा सरा है, इनकी तरबियत की जाती, ये डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, प्रोफेसर बनते, वकील बनते, कुछ ना कुछ बा असर अफराद। लेकिन क्योंकि ये इतनी मारे, इनकी कहानियां सुने माँ बाप से, इन्होंने इतना तशद्दुद उठाया, मैं कहती हूँ कि काश माँ बाप इनको रख लेते, ना दुनिया इनके पाँव में घूंघट पहनाती, ना इनको नचवाती, ना इनको सेक्स वर्कर बनवाती, ना कोई इनके ऊपर पत्थर मारता। पाजी साहब मैं घंटों इनके साथ बैठ के रोती हूँ, इनकी कहानियां सुन के मुझे दुख होता है कि खुदा के खिलाफ में इतना कुछ इनके लिए लिखा हुआ है, लेकिन चर्च ने इतनी बड़ी गफलत इनके लिए बरती, ना इनको संडे स्कूल में आने दिया जाता है, ना यूथ में, ना इनको खुदा का कलाम पढ़ने दिया जाता है, ना वर्शिप करने दी जाती है। बाइबल कहती है मैं इनको बेटे बेटियों से बढ़कर नाम दूंगा, मैं इनको अवधि नाम दूंगा, इनके आंसू कौन पहुंचेगा, कौन इनके लिए अपने दर खोलेगा,
काश इनकी माँ इनको रख ले, काश इनके खानदान इनको रख ले, तो ना ये सेक्स वर्कर बने, ना ये बैगर बने, ना ये घुघरू बने, ना ये नाचे, ये सारे मेरे पास आके इतना रोते हैं कि कोई हमसे प्यार नहीं कर रहा। मैं हर फ्राइडे इनके साथ खाना खाती हूँ, मैं इनकी कहानी सुनती हूँ, मैं इनकी काउंसलिंग करती हूँ, मैं इनको प्यार देती हूँ, मेरा हस्बैंड इनको प्यार देती है। आप इनका रोना नहीं देख सकते, आप इनकी कहानियां नहीं सुन सकते, आप इनकी अकेले घरों में रहती है, इनके शराबी कार्ड नहीं बनते, कोई इनको अपने साथ बैठाना नहीं पसंद करता। खुदा का कलाम तो ये नहीं देता, तूने ये नया काम शुरू कर दिया। मेरे खुदा की राह में इनको पकड़ा है, खुदा की राह में इनको चलना सिखाया, इनकी कहानियां सुने, कितने सेक्स वर्कर से हटकर खुदा की तरफ आ रहे हैं, कितने वो देना चाहते हैं अपनी जिंदगी खुदा को, वो नेक काम करना चाहते हैं। इसलिए मैट्रिक किया, वो सेंट पॉल्स की पढ़ी हुई लड़की जिसको हर जगह तस्लीम किया जाता है, लेकिन क्योंकि इसने जब लड़कियों के कपड़े पहनना शुरू किए, लिपस्टिक लगानी शुरू की, माँ बाप मारपीट पे आ जाते हैं, माँ बाप घर से निकाल देते। It's a heart wrenching और sad stories, और मतलब ये अलमिया है और ये दुनिया का अलमिया है। उसकी वजह ये है मेरे जीजो कि हम एक broken world में रहते हैं, हम एक गुनाह आलूदा दुनिया में रहते हैं जो कि खुदा से दूर है, और चूंकि जब वो खुदा से दूर है और तो वो खुदा के प्लान को बाज़ औक़ात नहीं समझ पाते जो इंसानों के लिए है, और उसमें चर्च भी शामिल है, चर्च भी इस गुनाह में शामिल है, इस रिजेक्शन के गुनाह में चर्च शामिल है, इस आप लोगों को एक्सेप्ट ना करने के गुनाह में, और ये चर्च को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। तो जितने सुनने वाले हैं और खासतौर पर जो देखेंगे इस प्रोग्राम को, आपने देखा कि जब पेरेंट्स इनको निकाल देते हैं, जब सोसाइटी इनको कबूल नहीं करती, और जब चर्च, तो वैसे ही जो है वो, और चूंकि मेरे ख्याल में चूंकि चर्च ने उनको गाइड नहीं किया होता पेरेंट्स को, इसलिए सोसाइटी जो है वो उनको रिजेक्ट कर देती है। तो आपने तीन जो मैंने सुना गुफ्तगू में, आपके पास जो मीन्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं वो पर यही रह जाते हैं कि या तो आप नाच के और डांस करके शो करके आपको कुछ पैसे मिलते हैं, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि सेक्सुअल वर्कर बन जाए, और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि सड़कों पे भीख मांगी जाए, ठीक है, और चौथा ऑप्शन एक और होता है कि जब हमारे यहाँ, मुझे नहीं पता अभी तक पाकिस्तान कराची में या बाकी जगहों पर होता है कि नहीं, जब किसी के घर में ब्याह शादी होती है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो वहां पर भी नजर मांगने के लिए या उसकी ब्लेसिंग के लिए जो है आपकी कम्युनिटी जो है वो पहुंचती है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो तीन एरियाज हैं, इसके अलावा आपके पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो लोग सुने तो आपको इस बैकग्राउंड से निकाल कर एक रिस्पेक्टेबल और एक ऑनरेबल जो है माशरे का जो है पार्ट कैसे बनाया जा सकता है, आप हमें गाइड करें ताकि जो सुनने वाले लोग हैं वो अगर उनको आइडिया हो तो। जी जी नासरा जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि माँ बाप ने रिजेक्ट कर दिया, सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया, मुल्क ने रिजेक्ट कर दिया, जो कि माँ एक रियासत की तरह होती है, उसने भी ऑन नहीं किया, और चर्च का जो काम था उसने तो बिल्कुल ही गफलत का मुजाहरा किया। और मेरे दोस्त यहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए हैं, इनका भी आईडी कार्ड नहीं है, इनका बहुत सारों का आईडी कार्ड नहीं है। मुझे ये बताएं कि जिनका आईडी कार्ड ही नहीं है तो क्या वो पाकिस्तानी उनको कोई कानून के मुताबिक मानेगा, या उनके साथ मसला हो जाए? तो मुझे ये बताएं, जब आईडी कार्ड नहीं होगा तो उनकी सुनवाई होगी? तो सबसे मेन मसला तो ये है कि इनको पहचान ही नहीं दी गई, सबसे मेन मसला है। और दूसरा, उस बात में मैं आना चाहूंगी कि चर्च को अब उठना होगा, जागना होगा, माफी मांगनी होगी, और सब चर्च को जो है ना, जो उन्होंने गफलत का मजारा किया है, पास्टर गजाला की तरह उनको आगे आना होगा और उनको बताना होगा कि हमसे गलती हो गई है। तो वो आए रूहानी तौर पर, इनको जो है तालीम की जरूरत है वो दें,
और दूसरा ये स्किल डेवलपमेंट जो है ना वो उसके प्रोग्राम बनाए ताकि, क्योंकि ये अच्छे बहुत सारे, इनमें से बहुत सारे अच्छे हैं जो ब्यूटिशियन है, बहुत सारे अच्छे हैं जो कुकिंग अच्छी करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो सिलाई कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो और बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो खुदा के लिए जो है काम पे निकल सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, यानी हर एक में खुदा ने एक ना एक एबिलिटी रखी हुई है। ये मत कोई भी कहे कि कोई ऐसी फजूली खुदा ने किसी को पैदा कर दिया है। मैं अपने अपनी बात करती हूँ, मुझे खुदा ने फजूल पैदा नहीं किया, मुझे खुदा ने तोड़ा दिया हुआ है, मैं तोड़े को इस्तेमाल करूंगी, अब मेरे पास मौका है। लेकिन ये है कि अब चर्च को आगे होना होगा और जिनके पास ताकत है, जो साबे इस्तात लोग हैं, उनको आगे होना आना होगा और मदद करनी होगी। इनमें से हमारे बहुत सारे साथी दोस्त हैं जो बहुत अच्छे वाचिप पर हैं, तो म्यूजिक का प्रोग्राम इनके लिए होना चाहिए ताकि म्यूजिक सीखे और ये जो है चर्च में आगे आके खुदा की वाचिप करें। बहुत सारे ऐसे हैं जो खुदा के कलाम को जान के उसकी मनादी करना चाहते हैं कौमों में कबीलों में, वो करें। बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको बहुत सारे और काम वो करना चाह रहे हैं, बैगिंग से या डांस से या सेक्स वर्क पर, उस उन चीजों को छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन सोसाइटी आगे आए, हमारी मसीही लोग इस दुनिया में मदद कर सकते हैं, तो ये जो जिनको बिल्कुल जो रद्द कर दिया गया है, इनके लिए नहीं आ सकते क्या? सबसे पहला फर्ज है कि जो बिल्कुल जिनको रद्द किया गया है, जैसे हमारे पाकिस्तान में है, मैं पाकिस्तान में, तो मुझे पता है ना पाकिस्तान में जिस तरह से हमारे मसीह ख्वाजा सरों के सलूक किया जाता है, मुझे रोना आता है ये सुन के और ये देख के और ये बात करते हुए मुझे रोना आता है कि जिस तरह से इनको किसी ने ओन नहीं किया। तो प्लीज खुदा के लिए अब कौमों से जो जिनके पास पैसा है, जिनके पास सोर्स है, वो आगे आए और इनको आगे ले आए, और जो जो इनमें एबिलिटी है वो उसको ओन करें और वो ताकि अपना जो खुदा ने उनको तोड़ा दिया हुआ वो दूसरों तक लेके जाए। जी सिस्टर गुजाला, आप कुछ कहना लगी थी? सब जैसे ये आरसू है, नर्सिंग की ट्रेनिंग इसने एक साल की हुई है, तो ये एज अ नर्स काम कर सकती है। क्रिश्चियन भी नहीं रखते जो मुसलमान, जैसे एंजल उठ के चली गई है, एंजल ब्यूटिशियन है, उसे जब उसे तौबा की ब्यूटी पार्लर ने जगह दी, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि ये ट्रांसजेंडर है, वो उन्होंने मालिक ने कहा जी आपकी वजह से हमारे रिस्क में बरकत नहीं, उसको निकाल दिया। उसके लिए मैं अब प्राइवेट ब्यूटी सैलून करने की कोशिश कर रही हूँ भैंस कॉलोनी में। ये नर्सिंग का जानती है, इसको जैसे पता चलता है ना ख्वाजा सरा, नहीं जी तुम लोग तो, क्योंकि हमारे जो दूसरे लोग हैं वो समझते ये एक लानत है या एक कर्स है या एक बैड ओमन है, तो वो तो नहीं इसको तस्लीम करते। लेकिन चर्च ने ऐसा क्यों किया? वालदैन इनको अपनी शनाख्त नहीं देते, ना बेफाम में इनका नाम शामिल करते हैं, ना इनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ना इनका शनाख्ती कार्ड बन सकता है। मुझे बताएं मैं इनके लिए कहां जाऊं? सही, तो आप ये बताइएगा अब हमें कि आपके जो चैलेंजेस हैं वो तो आपने बताए हैं, इस मामले में जो लोग सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं या जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, वो आपकी मदद या आपके लिए दुआ कैसे कर सकते हैं, और आपको इस वक्त जो 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 फर्स्ट थ्री मेजर आपके जो गोल्स हैं उसमें आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट नीड है वो क्या है? पास्टर देखे, मैंने ये जो चर्च है, ये वर्शिप सब ये मेरे घर में होता है, हमारे पास कोई प्रॉपर जगह नहीं है। अगर हमें एक तो जगह ऐसी हम बेशक रेंट पे आ जाए जो, क्योंकि ये तो घर है और ये चर्च का घर है, ये मेरा भी नहीं, आपको तो पता आप यहाँ होकर गए हैं, कि एक इनको ऑफिस हो, फिर इनकी स्किल डेवलपमेंट का काम हो। दूसरी चीज, क्योंकि ये संडे स्कूल नहीं जाते, ये यूथ अपने नहीं होते, इन्हें तो ना वर्शिप भी नहीं आती, ना इनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट, ना इनको ना जबूर आए कोई गाना, ना इनको, ये सीख रहे अभी, तो इसके इसलिए इनको एक तो चर्च लीडर वो बाइबल ट्रेनिंग्स की जरूरत है, बाइबल स्कूल की जरूरत है प्रॉपर। मैं अकेली तो हर चीज पे पूरी नहीं पढ़ सकती, ठीक है, दूसरों को हाथ आगे बढ़ाना है। फिर ये जो सारे है ना, ये सब अलग अलग घर में रहते हैं, उसकी वजह ये है। ये भी मैं सब पहले, मुझे भी ये चीज नहीं समझ आती थी, ये अलग अलग घर में क्यों रहते हैं, उसकी वजह ये है कि इनके गुरु होते हैं, गुरु इनको इलाका दे देता है कि आपने सदर में रहना, यहाँ बैकिंग कर दी, आपकी एक पहचान बन जाए, क्योंकि अगर इनकी पहचान नहीं है
तो कोई भी इनको मारेगा, कोई भी इनके साथ ज्यादती करेगा। इसलिए इनको उस इलाके में, जो इलाका इनका गुरु इनको असाइन कर देता, वहां पर रेंटेड हाउस लेकर रहना होता है। इन्होंने अपने घर का रेंट भी देना है, इन्होंने रोटी भी खानी। अब जब ये सेक्स वर्किंग से या घुंघरू बांध के नाचने से बाहर आएंगे या ये सारे गलत काम छोड़ेंगे, तो अब इन्होंने मकान के किराए भी देने, गुरु को भी देना, गुरु को भी देना इन्होंने, क्योंकि अगर इनके तो शनाख्ती कार्ड नहीं है। ये जो बोली है ना, इनको बोलना थोड़ा पीछे हो जाए, कैमरे में आ जाए, थोड़ा कैमरे के फ्रेम में। ये इधर जो बोली है ना अभी, गुरु का नाम लेकर वो कहती है गुरु को भी देना, इधर आए आप बताए, हाँ जी। आरजू आपके सामने जो बैठी है ना, क्या नाम है इनका? किरण। किरण आप थोड़ा सा इधर आ जाए, इस तरफ आ जाए। किरण आप थोड़ा सा पीछे हो जाए, आप नजर नहीं आ रही। हाँ ये अब ठीक है, थोड़ा सा आगे को होकर बैठ। हाँ ये वंडरफुल, ओके जी। गुरु को भी देना है, ओके बता रहे जी। बात ये होता है कि हमने, हम लोगों ने इट्स फ्रोजन, आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड, ये फ्रोज हो गया। लेकिन आपने देखा है कि जो चैलेंजेस हैं, इट्स नॉट एन इजी टास्क। एक तो चर्च ने रिजेक्ट किया है, हम लोग बिब्लिकल थियोलॉजी को नहीं समझ पाए जेंडर्स के हवाले से, और तीसरा जो है हमें चर्च को आइडिया नहीं है। क्योंकि चर्च को आइडिया नहीं है, हमारी सेमिनरी क्यूरिकुलम, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कल्चरल, वो हम लोगों से इन्फ्लुएंस होकर ऐसी जिंदगियों को ट्रीट करते हैं, और खासतौर पर पेरेंट्स जो हैं और जो नॉन क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है वो इनको एज अ कर्स के हवाले से देखते हैं। तो मेरे जीजो, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज, चर्च को अपनी फाउंडेशन बनानी पड़ेगी कि वो ऐसे लोगों के साथ और ये वल्नरेबल जो कम्युनिटी है, जो रिजेक्टेड है, उनको कैसे खुदा की बादशाही, खुदा की मोहब्बत जो है वो शेयर कर सकते हैं। और ये जो है ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, इट्स अ ग्लोबल इशू, और मेरे ख्याल में दैट्स अ बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ, कि जब खुदा ने पूरी दुनिया को एक जगह पर इकट्ठा किया हुआ है, तो क्लीसिया जो है वो ट्रांसजेंडर्स को, और याद रखिएगा सिर्फ ये नहीं है कि ये जो ट्रांसजेंडर समझते हैं कि हम लोग मेल बॉडी के अंदर फीमेल है, बल्कि आपको फीमेल बॉडी के अंदर मेल भी मिलेंगे। सो वो तो शायद माशरे में, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेंट पैट्रियार्कल एरिया एंड सोसाइटी, वो तो शायद एक्सेप्टेबल है सोसाइटी के अंदर। लेकिन ये जो फीमेल जिनके अंदर ये हार्मोनिक जो है, जो हार्मोन उनके ज्यादा होते हैं और जो इस प्रोसेस में से गुजर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है ये। सो मेरी आप सबसे जो है वो गुजारिश है कि आप इनको अपने दुआ में याद रखें, इनको इनके साथ मोहब्बत से पेश आए, और जो इनके चैलेंजेस हैं, जो इनके कहना चाहिए कि नीड्स हैं, उनके लिए दुआ करें, ताकि खुदावंद जो है वो ऐसे लोगों के वसीले से अपना जलाल जाहिर करें। थोड़ी चंद एक टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारा रब्ता मुनकते हो गया है, लेकिन आपने जैसे देखा है कि इन बहनों भाइयों की स्टोरीज और ट्रांसजेंडर्स की जो वल्नरेबिलिटी है, उसको देखकर और सुनकर यू कांट स्टॉप योरसेल्फ टू क्राई, कैसे जो चर्च है, क्लीसिया है, कैसे इनके साथ खड़ी हो सकती है। पाकिस्तानी चर्च को अपनी बिब्लिकल थियोलॉजी ऑफ जो है ह्यूमन सेक्सुअलिटी, उसको रिविजिट करना होगा सेमिनरीज के अंदर, और थियोलॉजी के अंदर जो है वो उसको कैसे हम लोग इंगेज कर सकते हैं, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। सो आइए हम इनके लिए दुआ करें, और अगर खुदावंद आपको मौका दे, सिस्टर गजाला शफीक को, उनके चर्च को राबता करें, उनके साथ कॉन्टेक्ट करें, उनकी सपोर्ट करें, ताकि खुदावंद का जलाल, खुदावंद की मोहब्बत, यीशु मसीह की जो कफारा है और यीशु मसीह की का जो करेक्टर है, यीशु मसीह के हाथ और बाजू जो है वो इन बहनों भाइयों तक पहुँच सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जी वी आर बैक। चंद टेक्निकल वजूहात की वजह से हमारा रابطہ मुनकता हो गया था, लेकिन खुदा का शुक्र है और कि हम दोबारा रिकनेक्ट हुए हैं। मेरा ख्याल है दिस इज अ सिंबल, स्पिरिचुअल सिंबल, चर्च का रابطہ ट्रांसजेंडर्स के साथ, वेदर दे आर मेल इन अ फीमेल बॉडी और फीमेल इन अ मेल बॉडी, जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, जो हमें रिकनेक्ट करने की जरूरत है।
और चर्च को ब्रिज जो है वो बनने की जरूरत है, वो ब्रिज बने ताकि कनेक्ट हो सके हम खुदा की मोहब्बत, खुदा का जो प्यार है, खुदावन यीशु मसीह की जो सलीबी मौत और उसका जो कफारा पूरी दुनिया के लिए है, उसको हम कैसे इन बहनों भाइयों तक पहुंचा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि खुदा ने इनको बेटों और बेटियों से बढ़कर मकाम दिया है, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, दे आर गॉड्स इमेज बेरर, खुदा की सूरत और शबी इनके अंदर मौजूद है। खुदावन यीशु मसीह ने ये कहा कि बाज खोजे माँ के पेट से पैदा होते हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। वो अगर डिवाइनली इसी बॉडी स्ट्रक्चर के साथ, हार्मोन्स के साथ पैदा होते हैं, चर्च और सोसाइटी को ये बात समझना होगी। प्रॉब्लम ये है, हम लोग जिस इंडियन, हिंदू और फिर मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं, वहां पर चूंकि ऐसे लोगों के लिए उनके पास कोई थियोलॉजी नहीं है, ऐसे लोगों के पास उनके लिए खुदा का कोई कलाम नहीं है, लेकिन चर्च तो क्लियर है, बाइबल मुकद्दस बड़ी वाजे है और बाइबल मुकद्दस ने हमें फाउंडेशन दी है, पाकिस्तानी चर्च को, पाकिस्तानी सेमिनरीज को, पाकिस्तानी पास्टर्स को, अपने थियोलॉजी को, अपनी आइडेंटिटी को और अपने मिशन को रिविजिट करना होगा कि इन लोगों के साथ और इन बहनों भाइयों के साथ, इस रिजेक्टेड, वल्नरेबल, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को कैसे हमने गले लगाना है। हाउ कैन वी वॉक विद देम एंड हाउ कैन वी ब्रिंग देम इन गॉड्स फोल्ड एंड गॉड्स किंगडम। सो जी पास्टर शफी, पास्टर गजाला, हमारी मदद कीजिएगा और बाकी जो आप सब बैठे हुए हैं, आप ये बताएं कि आपकी इस वक्त नीड्स क्या हैं और कैसे पाकिस्तानी चर्च और ओवरऑल पूरी दुनिया में बैठा हुआ चर्च जो है, जो खास तौर पर कंसर्न है आपके बारे में, वो आपके लिए क्या दुआ कर सकते हैं, आपके लिए क्या मदद कर सकते हैं। जी पास्टर, मैं इस पे बात करने से पहले नैना थोड़ी सी बात करना चाह रही है, एक मिनट की, उसके बाद मैं जो आपने बात पूछी है मैं इस पे बात करूंगी। नैना आपकी बात सुन ले। जी नैना, एक हफ्ता पहले मेरे चाचू के बेटे का इंतकाल हुआ था, हालांकि जो खाने में पैसे मिलते मैंने वो भी दिए ना, और सब कुछ किया, फिर भी मेरे भाई लोग मुझे कब्रिस्तान नहीं लेके गए ना, तो मुझे बहुत दुख लगा। मैंने आके अपने गुरु को भी बताया और मैं गुरु के आगे रोई भी, मैं कहा गुरु देख लो, फिर जब मुझे कब्रिस्तान नहीं लेके जाना था तो फिर मुझसे पैसे भी ना पकड़ते। लेकिन बात तो वो ही होती है ना पास्टर साहब, सबको हमारा एक ख्वाजा सलाह नजर आता है, जो हमारी आंखों में दर्द होता है वो तो किसी को नजर नहीं आता, तो हम लोगों के दिलों में कौन से दर्द है, ये कम दर्द तो नहीं होता, इतने सारे बहन भाई होते भी और फिर भी हमसे तो कोई भी नहीं प्यार करता, उसके बावजूद भी जो भी कर लो हमें एक अलग सी नजर से क्यों देखा जाता है, हमें क्या अल्लाह ताला खुदा ने नहीं हमें बनाया, हमें भी तो उसी खुदा ने बनाया ना जिसने दुनिया बनाई है, लेकिन सिर्फ हमें ही अलग से देखा जाता है, यहाँ तक तो कुत्ते के बच्चे को भी कोई अलग से नहीं देखता, सिर्फ हमको देखते हैं, क्यों, हमें भी तो उसी खुदा ने बनाया है ना, यहाँ तक तो हमारे बहन भाई भी हमें शादियों में कोई मरना हो जाए कब्रस्तानों तक कह देते तुम नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, खुदा से दुआ करो ना फिर खुदा हमें मौत दे दे, हम इस दुनिया से चले जाए। जी दैट्स अ बिगेस्ट चैलेंज और सोसाइटी को और चर्च को। देखें मैं सिर्फ आप लोगों को ये तसल्ली और ये खुशखबरी जरूर दे सकता हूँ कि आप लोग अकेले नहीं हैं इस पेन के अंदर और इस दर्द के अंदर, इस रिजेक्शन के अंदर। पूरी दुनिया में जो इस वक्त आपकी रिलेटेड कम्युनिटी है वो सब इसी प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, और लेकिन वेस्ट के अंदर मैं आप एक बार बताऊँ, वेस्ट के अंदर लोग कंप्लेन्स तो हैं और ग्रीवनेस भी है, हमारे दुख भी हैं, शेयर भी करते हैं, बट दे फाइट एक्चुअली, वो अपना मकाम लेने के लिए, अपनी जगह लेने के लिए दे फाइट, दे स्ट्रगल। और पाकिस्तान में इस चर्च के वसीले जो एडवोकेट उन्होंने बताया है, जो खातून का जो काम कर रही हैं और जो लाहौर में जो उन्होंने बताया है जो हैं, तो नाउ दिस स्टार्टेड। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन चर्च के अंदर तारीख लिख रहे हैं, ठीक है। सो खुदावंद आपको जरूर और आपके इस खिदमत को कबूल करेगा। सिस्टर गजाला, आप कुछ कहना चाहेंगी? मेरा ख्याल है हम लोग फिर डिस्कनेक्ट हो गए। ओके, वंस अगेन वी आर डिस्कनेक्टेड। और ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि बार बार मैं जब इस पे बात कर रहा हूँ या मैं जब इस पे डिस्कशन कर रहा हूँ तो उनकी सुन रहा हूँ जब मैं स्टोरीज, तो हार्ट रंचिंग स्टोरीज हैं, इट्स पेनफुल। और चर्च को, क्लीसिया को मेरे चीजों इस पर जरूर सोचना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। सो मेरा ख्याल है वी ट्राई वंस मोर एंड देन सी इफ वी कैन कनेक्ट। जी पास्टर, जैसा आपने नैना का सुना, इसने बताया कि ये अपने बाप का जनाजा भी नहीं इसको अटेंड करने दिया गया,
तो मेरी अब ये कहते हैं कि काश हमारा एक चर्च हो, खुदा का घर ही हमें कबूल करे। नैना रोते हुए कह रही थी कि हमारी तो डोली जो उठती है वो ही हमारा सब कुछ होता है, वो जनाजा होता है हमारी डोली। तो हमें कोई, हमें ये तो पता हो कि हम मरेंगे तो कोई हमें दफन करने वाला हो, तो एक हमारा चर्च बन जाए जहां पर मेरी ख्वाहिश है कि 5 से 10 स्ट्रॉन्ग ट्रांसजेंडर लीडर्स तैयार हो जाएं, पास्टर्स तैयार हो जाएं, इनका बाइबल स्कूल हो, इनका स्किल डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट हो, ताकि इनके डॉक्यूमेंट्स भी बनाए जा सके। इनको लीगल सपोर्ट की भी जरूरत है, क्योंकि पेरेंट्स ने तो इनके बेफाम नहीं बनाए, पेरेंट्स तैयार नहीं होते इनके साथ नादरा में जाने के लिए, अंगूठा लगाने के लिए या अपने डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। तो ये बहुत से चैलेंजेस हैं जिसके लिए हमें जाहिर है प्रेयर सपोर्ट सबसे पहली तो हमें दुआ की जरूरत है बहुत ज्यादा, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो लोग अब अपने घुंघरू उतार कर या सेक्स वर्कर से वो छोड़कर खुदा की राह पर चलेंगे, इन्होंने मकान के किराए भी देने हैं, इन्होंने रोटी भी खानी है, इनको रोजगार की भी जरूरत है कि लोग इनके लिए एज अ ड्राइवर दरवाजा खोलें, एज अ ब्यूटी पार्लर के तौर पे, नर्स के तौर पर इनको एक बा इज्जत, क्योंकि चर्च अगर इनको इज्जत देगा तो माशरा भी इज्जत देगा। और फिर खानदानों में काउंसलिंग की कांस्टेंट जरूरत है कि अगर ये किरण मैट्रिक कर सकती है तो ये ख्वाजा सरा खुदा के कलाम के मुआफिक है, इनको तस्लीम करना पड़ेगा, तो वो तस्लीम करें। तो अगर मैट्रिक के बाद सेंट पॉल स्कूल से ये पढ़ के अगर ये स्किल उसमें चली जाती या फर्दर एजुकेशन ले लेती तो ये आज माशरे का एक कारामद रुकन होती। ये नर्सिंग करके अगर इसको नर्सिंग की कोई जॉब दे दे तो इसको तो सेक्स वर्कर नहीं बनने की जरूरत थी। जरूरत है कि पास्टर साहिबान कांस्टेंट चर्चिस में इनके बारे में बात करें, खुदा के कलाम को सिखाएं, और इनके लिए एक बाइबल स्कूल खोला जाए, इनको जो ख्वाजा सरा बच्चे पैदा हों उनको संडे स्कूल इनका हो, इनका यूथ लीडर्स हों, संडे स्कूल टीचर्स हों, बाइबल टीचर्स हों, और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम इनके लिए बनाए जाए। इस सब के लिए हमें बहुत ज्यादा दुआ की भी जरूरत है। और सबसे बढ़ के अभी मुझे डायमंड आज वो आई नहीं है, उसे खुदा ने बड़ी खूबसूरत आवाज दी है, आरजू को खुदा ने अच्छी आवाज दी है। कोई और आज कह रहा था मैं तबला सीखना चाहता हूँ, मुझे बहुत शौक है तबला बजाकर मैं खुदा की प्रस्तुति करूँ, इनको इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो इनको इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, इनको म्यूजिक सीखने की जरूरत है। चर्च के भी चैलेंजेस हैं, और इसके साथ साथ इनको जो माशरे में कारामद रुकन बनाने के लिए जो हमें जरूरतें हैं वो स्किल, यानी कंप्यूटर ट्रेनिंग शुरू की जाए, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज इनके लिए शुरू किए जाए, इनके लिए सिलाई कढ़ाई का कोई बुटीक शुरू कर दिया जाए कि जहां पर ये दूसरे ट्रांसजेंडर्स को जॉब दे सके। मैंने जैसे एंजल के लिए ब्यूटी सैलून ये भैंस कॉलोनी में शुरू किया, आप जानते हो कितना गरीब इलाका है, वहां जाके इसलिए शुरू किया कि वहां क्रिश्चियन उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके ब्यूटी पार्लर में आएंगे। दूसरे तो समझते हैं शायद अगर हम इनसे ब्यूटिशियन का वो मेकअप करवाएंगे तो पता नहीं कर्स है या वो इसको पाक नहीं समझते। तो हमें खुदा के कलाम पर निगाह करके इनको प्रेयरफुली एक्सेप्ट करने की जरूरत है, और इनको जॉब देने की जरूरत है घरों में। भूमिका आज नहीं आई, रूपा, सॉरी रूपा नहीं आज आई, रूपा जब पिछली दफा मेरे पास आई वो शराब बहुत पीती है, वो कहने लगी मेरे लिए दुआ करें मैं शराब छोड़ूं और मुझे कोई घर में सर्वेंट का काम ही दे दे। वो चाहती है कि हम गलत कामों से निकल के हम अपनी जिंदगी रास्तबाजी की और पाकीज़गी की गुजारे, लेकिन अलमिया वही है ना खानदान तस्लीम करता ना चर्च तस्लीम करता है। तो जी दिस इज अ डॉन्टिंग टास्क, आपने देखा है कि किस कदर बड़ा इशू है ये, किस कदर डीप है, और वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। और जितने सुनने वाले देखने वाले हैं, मेरा आपको चैलेंज है, अगर आप ढूंढ रहे हैं कि आप खुदा के जो डिवाइन ग्लोबल प्लान है, खुदा का प्लान जो हमारी समझ और सोच से बाहर है, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन गॉड्स मिशन,
तो दिस इज द बेस्ट वे। अगर आप पाकिस्तान की चर्च कम्युनिटी को, पाकिस्तान के चर्च के अंदर आप देखना चाहते हैं कि वो इंटीग्रेट हो सोसाइटी के अंदर, तो मेरे जीजो ट्रांसजेंडर चर्च जो है, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट। मोस्टली खुदा ने जब बनी इसराइल को हुक्म दिया था, खासतौर पर ईदों पे, कि जो वल्नरेबल कम्युनिटी है जिसमें बेवा यतीम और उसके बाद औरतें और परदेसी और मुसाफिर, ये चार पांच कैटेगरीज की वल्नरेबल कम्युनिटी, खुदा ने कहा था कि तूने इनका ख्याल रखना है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया के अंदर ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है, दैट्स द वल्नरेबल कम्युनिटी। दिलचस्प बात यह है कि हम इन भेड़ों का दूध तो लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको चारा देने के लिए तैयार नहीं है। खानदान भी जो है वो इनको सख्त तो कर लेता है, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे वो समाजी इशू हो, कोई भी हो, जनाजा हो और कुछ भी हो, वो इनके रिसोर्सेज तो यूज कर लेगा, लेकिन इनको सपोर्ट के लिए खड़ा नहीं होगा। सो दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज, हिपोक्रेसी से, इस रियाकारी से चर्च को बाहर आना होगा, और नंबर टू जो है फैमिलीज को भी रियाकारी से बाहर आना होगा। तीसरी अहम बात यह है, आपने देखा होगा कि मुझे यहाँ पर कोई भी जो है वो हमें सारी की सारी जो मेल बॉडी के अंदर 6 मेल हैं वो तो नजर आ रही हैं, लेकिन आप देखा होगा अभी फिलहाल हमें मेल ट्रांसजेंडर नजर नहीं आ रहा। लेकिन क्यों, वजह इसकी क्या है? मुझे ये लगता है कि शायद क्योंकि हमारा पैट्रियार्कल मेल डोमिनेंट कल्चर है, वहां पर हम अपनी बेटी को तो बेटा बनते हुए कबूल कर लेते हैं, लेकिन बेटे को बेटी की सूरत में कबूल नहीं करते। मतलब दैट्स अगेन हिपोक्रेसी, दैट्स अगेन डबल स्टैंडर्ड। सो मेरे ख्याल में कि दिस इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट। पास्टर गजाला, मुझे बाकी चर्चेस का तो नहीं पता कौन आपके साथ खड़ा होगा, लेकिन मैं अपना, हमारा जो कराची में फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च है मोहम्मद खान गोट में, आप वहां गए हैं और आपने देखा भी है, वी वुड लाइक टू स्टैंड। आप अपने टीम को, किसी दिन आपको मौका मिले संडे को, मैं उनको बोलूंगा कि वो आपको संडे को बुलाएं पूरी टीम को और आपके साथ खड़े हों। गो एंड शेयर, वी कैन स्टार्ट वेरी स्मॉल। और जाहिर है ये इतना बड़ा काम है, आपकी जनरेशन ने शुरू किया है, कि याद रखिएगा, मुझे नहीं लगता, या मुझे लगता है कि ये जनरेशन, आपने अभी बीज बोया है, याद रखिएगा, बीज बोने वाले कभी फ्रूट नहीं लेते, बीज बोने वाले बीज बोते हैं, फ्रूट अगली जनरेशन लेती है। आप आज जो है, आज आपने इस चर्च के वसीले, पास्टर गजाला के वसीले, आपने बीज बो दिया है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और हम दुआ करते हैं कि इस बीज, ये है, ये पौधा बने, ये फल दे, ये इतना घना हो कि परिंदे आकर इस पर बसेरा करें, और कराची में हमारा जो चर्च है, दे आर गोइंग टू स्टैंड विद यू। और ऑब्वियसली कम्युनिटी को, लोगों को माइंड चेंज करना, इट्स नॉट अ ओवरनाइट जॉब, ठीक है, इट टेक अ टाइम, लेकिन लेट्स स्टार्ट। नंबर वन ये है। नंबर टू, जो मेरा यहाँ अमेरिका में चर्च है जिसका मैं पास्टर हूँ, हम आपके चर्च को जो मंथली सपोर्ट है, मैं पास्टर गजाला से बात करके, आपकी कलीसिया की जो नीड है, वी आर गोइंग टू बिकम अ पार्टनर विद यू। और हमारा जो कैलिफोर्निया में चर्च है, आपके साथ आपके जो चैलेंजेस हैं, डू लेट अस नो कि हम आपके कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इंडियन पाकिस्तानी इमिग्रेंट कम्युनिटी है, और इमिग्रेंट कम्युनिटी आपको पता है जहां भी होती है, दे आर इन अ स्ट्रगल, बिकॉज वो उनको भी बड़े स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। तो पहली बात तो आप ये समझें, मैं आपको बहनों और भाइयों मिलकर ही कहूंगा कि आप अकेले नहीं है इसमें। दुनिया का हर शख्स, हम जिस दुनिया में रहते हैं, वो मुख्तलिफ अपने बैटल लड़ रहा है, अपनी फाइट लड़ रहा है। अमेरिका में काले अपनी फाइट लड़ रहे हैं, अमेरिका में जो इमिग्रेंट्स हैं वो अपनी फाइट लड़ रहे हैं, अमेरिका में जो ट्रांसजेंडर हैं वो अपनी फाइट लड़ रहे हैं, जो LGBTQ है, पाकिस्तान में फर्क तरह के इशू है, आप लोगों के फर्क तरह के इशू है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, दैट्स ब्रोकन एंड ब्रूटल वर्ल्ड, लेकिन चर्च को, क्लीसिया को, अपने अपने जो है कंफर्ट जोन से, अपने इन जो है गलत किस्म की जो आइडियोलॉजी है, गलत किस्म की जो थियोलॉजी है, उससे बाहर निकलना होगा। चर्च को अनलर्न करना होगा, ताकि वो रीलर्न कर सके कि आप लोगों के लिए खुदा का क्या मंसूबा है। एंड वी आर स्टैंडिंग एंड स्टार्टिंग विद यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। पास्टर गजाला, या आप में से कोई किसी को कोई पैगाम देना चाहता है, फाइनल थॉट, एंड देन वी विल वाइंड। एनीबॉडी जी कोई बात करना चाहता है, अच्छा पासा, मैं एक चीज बताऊंगी आपके ईमानदारों ने, क्लीसिया ने देखना, जब चर्च का पता चला और नासरा का पता चला, तो एक ईमानदार ने नासरा को बुलाया और उसे कहा कि आज से मैं अपनी तय यकी आपको दूंगा, आमीन, ठीक है। तो ये जो 10% है, उसके जरिए से हम इन लोगों की मदद कर सकते हैं और हम इनको मजबूत करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं।
मुझे पता है कि जब चर्च में ये सब कुछ सिखाया जाएगा तो चर्च हमेशा सीखने के लिए तैयार होता है और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार होता है। बात सिर्फ ये थी कि शुरू कहाँ से किया जाए, आगाज हमने कर दिया है और आगे खुदा इसको तनावर दरख्त बनाएगा और इस पे फल लगेगा और ढेर सारा फल लगेगा, डालियां मजबूत होंगी। आमीन आमीन। सो जी मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग आप लोगों के पास साज नहीं है, क्योंकि मैं खुद म्यूजिशियन हूँ आर्टिस्ट हूँ, और आपके चर्च को अगर साज चाहिए या आपके चर्च को अगर इंस्ट्रूमेंट चाहिए और इवन आप में से कोई सीखना चाहता है तो वी कैन अरेंज अ टीचर आल्सो। सो आपको टीचर गिटार सीखना है, सिंगिंग सीखनी है, तबला, हारमोनियम, वॉट एवर, हमारा जो स्कूल है इट्स गोइंग टू बी पार्टनर विद योर चर्च। और अगर आपको आपका जो एरिया है, अगर आप एरिया बताएंगे जैसे ईसा नगरी है, अगर वहां पर ज्यादा कम्युनिटी है या आजम बस्ती जहाँ पर हमारे मोस्टली कम्युनिटी रहती है मेजोरिटी में, तो अगर आप लोग वहां पर कोई जगह किराए पर लेकर कोई चर्च या कोई करना शुरू करना चाहते हैं प्लीज डू लेट अस नो, ताकि इसको, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इस वक्त अवेयरनेस और लोगों के पर्सपेक्टिव को चेंज करना, और वो तभी होगा कि आप जो एग्जिस्टिंग चर्च है उसमें पहले इंटीग्रेट हों, पहले वो अपने व्यूज को बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बदलें एंड देन वी मूव टू द एस्टैब्लिश और इंडिपेंडेंट चर्च। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पहले कम्युनिटी के अंदर इंटीग्रेट हों ताकि लोग आपको रिस्पेक्टफुल ऑनरेबल स्टेटस दें और आपको जो है वो हरास ना करें और आपको रिजेक्ट ना करें। और इट्स अ ग्रेट टास्क, और मेरा ख्याल है अगर हम ये अरेंज करें आप लोगों के विजिट्स और आप लोगों के जो है वो गवाहियां टेस्टिमनीज जो हैं वो अगर चर्चेज में शेयर हो और लोगों को पता चले, अवेयरनेस हो, तो ये बहुत बड़ा काम होगा। आप अपनी वर्शिप टीम को एंगेज करें और इसमें आगे बढ़ें। हमारा एक और डांस ग्रुप है ईसा नगरी के अंदर, डीजे जॉन, आप जानते होंगे शायद, तो डीजे जॉन जो है गली नंबर 3 में, वो लड़के जो है पूरे के पूरे सारे हमारे साथ काम करते हैं। हम क्रिसमस पे एक प्रोग्राम करवा रहे हैं, याद रखिएगा आपका जो टैलेंट है, इवन आपका जो डांस का और आपका गाने का जो टैलेंट है, इवन खुदा उसे भी इस्तेमाल कर सकता है। सो डोंट वरी अबाउट योर टैलेंट्स। टैलेंट जो भी खुदा ने आपको दिए हैं, गॉड कैन यूज यू एंड गॉड कैन बिकम मेक यू अ मीडियम फॉर गॉड्स ग्लोरी। सो डोंट वरी अबाउट इट, वी आर स्टैंडिंग विद यू, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं और प्रेयरफुली और फाइनेंशियली और सोशली हमारा चर्च जो फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च है कराची में, दे आर गोइंग टू स्टैंड विद यू। मैं सिस्टर गजाला के साथ रابطے में रहूंगा कि हम कैसे नेक्स्ट संडे के या किसी संडे का जिसमें आप लोग तैयार हों, आप लोगों की टीम को कैसे चर्च में इनवाइट किया जाए, कौन सा दिन रखा जाए और आप अपनी गवाहियां जो है वहां जाकर शेयर कर सकते हैं। सिस्टर गजाला थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप सबका और सारे आप सबका जितने नाम है इस वक्त सारे मौजूद हैं, 10 के 10-11 लोग, खुदावंद आपको बरकत दे। एक फाइनल थॉट के साथ मैं सिर्फ एंड अप करूंगा। आपने देखा है खुदावंद यीशु मसीह के पास कुछ सदूकी आए सवाल लेकर कि खुदावंद एक औरत मर गई है और उसके 7 शौहर थे, तो वो लाइफ आफ्टर में किसकी बीवी होगी। यीशु मसीह ने कहा तुम सब जाहिल हो, ना तुम्हें खुदा का पता ना खुदा के कलाम का पता है। यीशु मसीह ने कहा आसमान पर लोगों में ब्याह शादी नहीं होगी, वो फरिश्तों की मानिंद होंगे। सो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग इस रेफरेंस से जो मुझे समझ आई वो ये है कि यू आर एन इमेज ऑफ एंजल इन दिस वर्ल्ड। सो अपने आप को कभी भी डिग्रेड, अपने आप को कभी भी आइसोलेट महसूस ना करें। खुदा का आपके लिए बेटों और बेटियों से बढ़कर प्लान है और आपका जो जमीन पर खिदमत है, जो काम है, दैट इज मोर पावरफुल देन सन्स एंड डॉटर्स। खुदावंद आपको, सुनने वालों को बरकत दे और इस प्रोग्राम के वसीले से जरूर इस चर्च के साथ कनेक्ट हों और इसकी सपोर्ट करें। खुदावंद